तो उसके हम उस क्योंकि 9 मई के वाक्य की हम परचोर तौर पर करते करते जावला अफरीदी और पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं। हम पीटीआई के उम्मीदवार की सीट से इंतखाबात में बारीक सीट से कामयाब हुए, लेकिन 9 मई का जो वाक्या था वो पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन वाक्या था। इसमें दुश्मन अनासर ऐसे आए कि जिस तरह की हम पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुँचाया, और हम बेसिकल पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पीटीआई वाले थे, लेकिन नाजिम शबीर हुसैन MC4 दलाजाक रोड सिटी मेट्रोपोल में, तो उसके हम उस क्योंकि 9 मई के वाक्य की हम परचोर तौर पर करते मजम्मत करते हैं, और हम तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी होकर ज़ियाउल आफरीदी और पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं। और इसके बाद हम आपको ये प्रेस रिलीज जो है आपको दे देंगे, आप सब भाइयों के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, मीडिया वाला बहुत शुक्रिया। और ज़ियाउल आफरीदी क्योंकि पिशावर का एक नारा है, ज़ियाउल हमारा पिशावर हमारा, पिशावर की तरक्की ज़ियाउल के संग होगी, और मेरे तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग ज़ियाउल के कदम के साथ हम मिलाएंगे, और इंशाल्लाह पिशावर को हम फिर दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। ज़ियाउल आफरीदी जिंदाबाद, ज़ियाउल आफरीदी जिंदाबाद, यौवा सम्राज्ञ ज़ियाउल आफरीदी जिंदाबाद। जी तो मतलब है कि ये जो शबीर भाई ने कहा है, उन्होंने प्रेस रिलीज बनाए हुए, लेकिन वो टाइम की कमी की वजह से पूरा वो आपके अभी सब भाइयों को हवाले कर देंगे। इंशाल्लाह जिस तरह शबीर ने कहा है, हम सब मिलकर इंशाल्लाह पेशावर और इस सूबे में अमन और पाकिस्तान को दुश्मन से बचाने के लिए इंशाल्लाह ताला हम सब इकट्ठे लड़ेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। और शबीर तो दो जमील भाई तुम राजा ओके।